सम्यक दृष्टि को आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी सम्मुख दृष्टि होकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, ये धर्म ने पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन त्रिकाली परम शुद्ध चैतन्य वस्तु ये सम्यक सच उसकी दृष्टि आत्मा त्रिकाली आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ भगवान है, जुया का आत्मा पूर्ण आनंद है। ऐसी दृष्टि जिसको ही अंदर अनुभव में ये सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ से रहित कोई काल नहीं, क्योंकि अंतर में पुरुषार्थ की गति गई है। अब अंतर में पुरुषार्थ का झुकाव हो गया है तो कोई पण पौर पुरुषार्थ बिना अंतर में पुरुषार्थ बिना होता नहीं। यही बात है भाई, मुख्य बात है, पहली बात है। कोई काल पर धर्मी जिसको आत्मज्ञान हुआ अने आत्मा की दृष्टि हुई, उसका वीर्य पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख कभी नहीं हो, ऐसा नहीं। स्वभाव सन्मुख ही पुरुषार्थ बोलता है। पुरुषार्थ की गति जहाँ रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ रुचि ने पोषण आया क्या पुरुषार्थ गति करते हैं। आत्मा शुद्ध चैतन मूर्ति ऐसा जो दृष्टि में रुचि में पोषण में जरूरियात में जरूरियात हो जमरण रहनी, तो एक आत्मा ज्ञान करना ये जरूरियात है। मानसे कहते हैं ना कि जरूरियात हो क्या काम किया बिना रहे नहीं। एम आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप जिसकी जरूरियात में रुचि में पोषण में
आ गया, हा हा हा, मैंने करने का ही है, ये ना कोई का पुरुषार्थ नहीं, राइट नहीं होता। अंतर्मुख नहीं गति पुरुषार्थ नहीं, ये बड़ी है, झुकाव हो गया है स्वभाव सन्मुख, ये पुरुषार्थ है, राइट कभी होता नहीं। अभी बात है, पुरुषार्थ करके प्रथम में आत्मा वस्तु शुद्ध चैतन अने पुण्य पापना भाव, ये मैल मलिन भाव है। भगवान आत्मा टिकाव निर्मल है, ये मलिन से निर्मल का भेद ज्ञान, जुदापना का ज्ञान जिसको हुआ उसको यहाँ भेद ज्ञान कहते हैं। मोतेरमिगाथन आते हैं कि पुण्य ने पाप भाव, शुभ ने अशुभ भाव, चाहे तो दयादान व्रत भक्ति आदि हो पूजा, ये सब शुभ भाव है, पर है मलिन। तो ये रहित प्रभु आत्मा निर्मलानंद सहजानंद स्वरूप प्रभु, उसकी दृष्टि जब हुई तो पुरुषार्थ करके भेदग्राम प्रकट किया उसने, राग से पुण्य का परिणाम से पवित्र प्रभु त्रिकाली चैतन्द्र, ऐसा भेद ज्ञान जिसने प्रकट किया। अभी चीज है, प्रथम नहीं बात है। पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान प्रकट किया, भेद ज्ञान भी पुरुषार्थ करके प्रकट किया है। चौतीसवीं गाथा में आता है हमेशा कि गुरु ये कहा कि प्रभु तुम निर्मलानंद चैतन्य है ने, अने पुण्य ने पापना दुई भाव, ये मलिन है ने, ये मलिन ऐसा जाना तो जानकर ही छोड़ देते हैं। अंतर्दृष्टि में अपनाते नहीं इसलिए अपना मानते नहीं। शुभ ने अशुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध ना परिणाम, दो ही मलिन है, उससे रही प्रभु चैतन्य ज्योति ना भेद ज्ञान, ये राग का मलिन से जिसकी अंतर्दृष्टि में पर से भेद ज्ञान हुआ, त्याग से भेद ज्ञान किया तब से पुरुषार्थ की तारा चलती ही है। जिसकी जिसमें रुचि है क्या पुरुषार्थ की गति काम करती ही है। जिसके अंतर में आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप का पुहान आया, पोषाण रुचि, ये वाणिया ने व्यापार करता त्रण रुपया ना मन माल लावे, ना ही हाड़ा त्रण उपजे तो माल लावे तो पुहाण आए, पण त्रण रुपया ना लावे ना ही पोणा त्रण उपजे के पोहाय। एम आत्मा में पुण्य पाप का भाव मलिन दुख है,
और निर्मलानंदी आत्मा अंदर सुख है, ऐसा जिसको अपना शुद्ध स्वभाव का पोषण हुआ और मलिन परिणाम का अंदर से पोषण छूट गया, आई बात मुझे उसका भेद ज्ञान करवार काले ही पुरुषा था, तब से पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख तो काम करते ही है। समझ में आया, ये तरफ काम पुरुषार्थ जिसकी रुचि पोषण हो गया, जे माल का पोषण हुआ, ये पोषण की पुष्टि करते रहते हैं। जीनी बात से प्रभु अनंत काल में करू नहीं, अनंत काल 84 अवतार निगोदना एकेन्द्रिना मेन्द्रिना त्रणेन्द्री चौरेन्द्री ढोर पशु नारकी अरे रे आचार तो एम कहते हैं, अरे हूं गया करना अनंता भवना दुख ने आज्ञा करूं छू, आ तो अंतर में घा वागते हैं। अरे रे अत्यारथी अनंत काल पहले अनंत काल अनंत 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 चार गति ना परिभ्रमण में दुख जे सहन किया एने याद में लावता, एने या विचार में लावता घा वागते घा, कितना दुख सहन किया, तो इसकी पुरुषार्थ की गति स्वतर बया बिना रहती नहीं। समझ में आया, ये कहते हैं पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान प्रकट किया, तब से पुरुषार्थ की धारा चलती ही है। जिसका पोषण हुआ वो तब वीर्य अंतरना पुरुषार्थ काम करता ही है। संगम दृष्टि का यह पुरुषार्थ सहज है, हठपूर्वक नहीं। अज्ञानी को जो शुभ भाव करते हैं ये हठ है, सहज नहीं। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव चैतन्य की खबर नहीं, इतनी शुभ भाव जी करते हैं दयानादि पुण्यया दान पुण्यादि ये हट से करते हैं। पर जिसको उससे भिन्न आत्मा का पुनपाप परिणाम से प्रभु अंदर भिन्न द्रव्य है, ऐसी दृष्टि और ज्ञान हुआ चार से संगत दृष्टिया पुरुषार्थ सहज है। ये पुरुषार्थ सहज होता है। माता का पेट में 9 महीने रही तो ये माता का गमे के कपड़ा पहरे हो पर उसकी दृष्टि तो माता जनेता ऊपर रहती है, ये हमारी माँ है। गमे ते अपनी स्त्री का कपड़ा पहरा हो, समझ में आया। बोटाद में ऐसा बन गया था, बोटाद में अपाश्रो एनी सामे मोर छे लाखोपति ग्रस्त, तिरुती उसकी स्त्री नाला कपड़ा धोने के गई और उसकी माँ थी नवी माँ थी, नवी माँ थी ये स्त्री ना कपड़ा पहरी अने सूती थी, कपड़ा स्त्री ना स्त्री तो नवा धोवा लगे
એમાં એક છોકરો આવ્યો ધણી, ખબર રહી ની કે મારી માં છે કિસ્સા, કપડા સ્ત્રી ના પહેરેલા, આમ ઠેવું મારીને જગાડી. એ સમજી ગઈ બેન, કેમ બેટા વહુ નાવા ગયા છે? આત્મું જ્યાં કહ્યું ત્યાં એકદમ બંધ થઈ ગયો વિચાર. કબજાઈ ગયા, અરે આ તો મારી માં, ભલે નવા માં, નવી માં પણ માં છે ને. એ જ્યાં કેમ બેટા વહુ ગયા છે નાવા? આત્મું જ્યાં કહ્યું ત્યાં વિચાર એકદમ બદલી ગયા, પલટી ગયા. એમ યા ત્રિલોકનાથ સંતો પણ મુનિઓને આદી કહા કે પ્રભુ તેરી ચીજ અંદર નિર્મળાનંદ ભિન્ન હૈ, એ પુણ્યને પાપના ભાવ પ્રભુ મળીને તેરી ચીજ નહીં. એસા જા સુના તો ઉસકે મલિન ભાવ સે હટકર નિર્માનંદ પર પુરુષાર્થી ગતિ હોઈ. એ પુરુષાર્થ હઠ પૂર્વક નહીં હૈ, સહજ પુરુષાર્થ હોતા હૈ. જ્ઞાન જાણક સ્વભાવ આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ તરફ કા પ્રયત્ન પુરુષાર્થ ગતિ ક્રિયા કરતી હૈ. ધર્મી જીવ કી ગતિ પુરુષાર્થ વિધેયતા સ્વભાવ તરફે ગતિ હૈ ઉસકી. ભલે બહાર માં દેખાય સબ, પણ અંતર મેં તો દ્રષ્ટિ ક્યાં હૈ? હઠપૂર્વક નહીં, સમ્યક દ્રષ્ટિ કા પ્રસાદ સહજ હૈ. દ્રષ્ટિ પ્રગટ હોને કે બાદ વહ એક ઓર પડી હો એસા નહીં. ક્યાં કહેતે હૈ આત્મા પુણ્ય ને પાપના ભાવ રહી, શરીર વાણી મન તો ક્યાંય રહી ગયે બહાર, પણ શુભ શુભ ભાવ સે રહી, એસી સમ્યક દ્રષ્ટિ હોઈ તો એ દ્રષ્ટિ કઈ પડી રહેતી નહીં, એકલી કામ કરતી હૈ, પર સે ભિન્નતી કામ કરતી હૈ. સમજ મેં આયા? એસે જૈસે દ્રષ્ટિ પ્રગટ હોને કે બાદ વો એક ઓર પડી હી ઉડ રહે, એસા નહીં હૈ. એ કોઈ પડી જ રહે એસે નહીં હૈ. દ્રષ્ટિ ચૈતન સ્વભાવ શુદ્ધ ધ્રુવ ત્રિકાળી એ તરફ કા પ્રયત્ન ચલતા હી હૈ. આખરી વાત છે પ્રભુ, માર્ગ વિતરાગ નો જિનેશ્વર દેવ કેવળી પરમાત્મા નો માર્ગ આખી દુનિયાથી જુદી જાતનો છે. જૈસે અગ્નિ ઢંકી પડ્યું હો, અગ્નિ ઉપર રાત પડી ઢાંકેલી હો, એસા નહીં હૈ. અગ્નિ જે ઢંકી પડી હોય એસા નહીં હૈ, અગ્નિ ખુલ્લી હૈ, અગ્નિ બહાર આ ગઈ. રાત દાબી હોય કેટલાક તો અગ્નિને બીજે દિવસે રોટલા કરવા એના ઉપર રાખ દાબી આપી, અને કોઈ વળી નવા સંધુકણ થાય છાણામાં અગ્નિ ખાસ થઈ ગયો હોય, અને કોઈ થી અગ્નિ દાબી રાખે કે બીજી ખોલી નહીં એનાથી પછી બનાવે. એમ એ અગ્નિ એકલું પડી નહીં, અગ્નિ કામ કરતી હૈ કે છે. એમ દ્રષ્ટિ એક બાજુ પડી નહીં, દ્રષ્ટિ અંદર મેં કામ કરતી હૈ. અરે જૈસે અગ્નિ ઢંકી પડી હોય એસા નહીં હૈ,
अग्नि ढाकेली है ऐसी दृष्टि नहीं है, दृष्टि अंतर में काम करती है। अग्नि खुली अग्नि जन काम करती है। ऐसे भगवान आत्मा पूर्ण आनंद ने ज्ञान नो पिंड एटी दृष्टि हुई अनुभव में, तो ये काम कायम में अनुभव चलता ही है। अग्नि खुली पड़े ये रीते काम चलता है, अग्नि ढंकी है ऐसा काम नहीं। अंतर ने भी ज्ञान का अंतर में राग से भिन्न पुण्य ने पापना भाव से प्रभु भिन्न अंदर है। केम के नव तत्व तो है न, तो पुण्य पाप तत्व तो भिन्न है, जीव तत्व तो भिन्न है। जीव तत्व तो है तो ज्ञायक तत्व तो जानक तत्व तो ज्ञान ने आनंद नो नाथ है। तो ऐसा जी ज्ञातृ तत्व तो है, धारा का प्रकट विधन है। धर्मी को अंतर में भेद ज्ञान का अर्थांत ज्ञातृत्व धारा का प्रकट वेदन है। धर्मी को आनंद का वेदन है, ज्ञान का वेदन है। ये अनादि से राग ने द्वेष शुभ ने अशुभ राग का धारा का वेदन था। ये वेदन गुणार खाई गई, दिशा पलटी गई। अरे आओ मारन, अंतर में भेद ज्ञान का ज्ञातृत्व धारा का प्रकट वेदन है। मैं आनंद हूँ, ज्ञान हूँ, ऐसा प्रकट वेदन धर्मी को सदा होता ही है, उसको धर्मी कहने में आता है। गजब बात है। सहज ज्ञातृ धारा चल रही है, स्वाभाविक जानन धारा, ज्ञान की धारा। जी ज्ञान स्वरूपी प्रभु, एक ज्ञान पिल गया है संजग में, प्रकट हुआ है, एक ज्ञात धारा चल रही है, जानम देखन की धारा चल रही है। पुरुषार्थ है, ज्ञात धारा चल रही है। वह पुरुषार्थ है चल रही है, परम तत्व में अभी चलता है। धर्मी को आत्म स्वरूप का भान हुआ, उसमें और भी चलता है, उसमें चलता है ऐसा है। माता को माता जानी है तो कभी शंका पड़ती है, क्या हमारी स्त्री है कि हमारी बहन है। जैसा नक्की निर्णय हुआ ये तब पुरुषार्थ गति करे बिना रहे नहीं। एम परम तत्व भगवान आत्मा शरीर वाणी से तो भिन्न है, पर पुण्य ने पाप ना शुभ शुभ भाव से पर भिन्न है। ऐसा परम तत्व में अभी चलता है, ज्ञाति चलते नहीं है, अभी चलता है, चलते नहीं। अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य पुण्य ने पाप का भाव से भिन्न जानने में आया, ये धारा कायम चल रही है। परम तत्व में अभी चलता है। प्रतिकूलता के समूह आए,
બહારના પ્રતિકૂળ કા સમૂહ આવે, પ્રતિકૂળ કા રંગ ગંધ, અનેક પ્રતિકૂળતા હો ધર્મિકો, છતાં સારે બ્રહ્માંડ મેં કલબટી મચ જાય, તથાપિ ચૈતન પરણતી ન ડોલે, ચૈતન સ્વરૂપ ત્રિકાળી ભગવાન ત્રિકાળી અનાદિ આનંદ એસા ચૈતન કા જા ભાન હુઆ, રાગ સે ભિન્ન સારા બ્રહ્માંડ ફરે અને ખબરાટ સબ પ્રતિકૂળતા કી ખબરાટ હો જાય, તો ભી ચલતે નહીં, ચૈતન પરંતી ન ડોલે, અપની ચૈતન અવસ્થા પરંતી એટલે અવસ્થા એટલે દશા, રાગ સેન ભિન્ન દશા પડી એ દશા સદા ચલતી રહે, એસી સહજ દશા હૈ, લોકો ધર્મ ક્યાં ક્યાં માન રખા હૈ અને કહા ધર્મ હૈ, ધર્મ તો સ્વભાવ હૈ, તો અપના જે સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન ઘન અનાદિ ઉસકા દ્રષ્ટિ અનુભવ એ ધર્મ હૈ, અંતર મે રાગ ને દ્વેષ ને પુણ્ય પાપ ના વિકલ્પ હોતા હૈ, એ ધર્મ નહીં, અનંત કાળ મે પૈસા ઉનને પાપ અનંત વાર કિયા, અનંત વાર નવમી ગ્રહ કે અનંત વાર ગયો, ઇતની ધાર્મિક ક્રિયા લૌકિક દયા દાન વ્રત એટલા કિયા, પણ અંતર તત્વ ના ભાન વિના અંતર ના જ્ઞાન વિના જન્મ મરણ કા પાયા નહીં, એસે મહાવત પણ અનંત નવમી વેગ મુનિવ્રત ધાર અનંત બેર ગ્રેક ઉપજાયો, પણ આત્મ જ્ઞાન બી નહી સુખ ન પાયો, આત્મા અંદર પુણ્ય પાપ કા મેલ સુભા શુભ થી મેલ સે ભિન્ન હૈ, એસા આત્મા મેં સુખ હૈ, તો પંચમાવત હૈ એ ભી દુઃખ હૈ, કે આશ્રવ હૈ રાગ હૈ, રાગ સે ભિન્ન એસે સહજ દશા ધર્મી કી હોતી હૈ, સાઠ કાળ અનાદિ હૈ, આદિ હૈ કબ સે કા હુઆ, અનાદિ 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 અનાદિ, કઈ શરૂઆત કાળ કી હૈ નહીં, આમ ભૂતકાળ ભાવો તો દેવગાળ અંત વિનાના અનાદિ 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 અનાદિ, ઓર જીવ અનાદિ હૈ, જીવ ભી ઉસમે અનાદિ હૈ, કાળ અનાદિ હૈ તો જીવ ભી અનાદિ સાથ મેં હૈ, કાળ અનાદિ હૈ અને જીવ નયા ઉત્પન્ન હુઆ હૈ, આત્મા નયા ઉત્પન્ન હોતા હૈ, આત્મા કી ઉત્પન્ન કી સાદી સાદી શરૂઆત હૈ, એસા હૈ નહીં, એ જીવ અનાદિ હૈ, જીવને દુઃખ પ્રાપ્ત નહીં કિયા,
अनादि अनंत काल में जीवे दो प्राप्त न किया, जिनराज स्वामी और सम्यक। बाकी अब जो पति अनंत बार होगा, इंद्र देव नवमी ग्रेतना देव अनंत बार होगा, अब जो पति सेठ के अनंत बार होगा, भाई तो धूल है। हार फैलती का खबर है आज ने सुनी भाई नु किमन नहीं हार फैलते चुनला बैठी रन मकान है नहीं है हाँ ये होता ना हनुमान जी देख रहे तुम्हें हार फैल आठ वर्ष नंबर रहते हैं रहे अनुभव तो बताइए देनी स्थिति बात जे समय जे क्षेत्र जे संयोग पड़वा नहीं तेमा फिर फात रण काल में इंद्र तरी सके नहीं हाँ 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 दवा ने डॉक्टर एक कूपड़े डॉक्टर मरी जाए भावरोग ना डॉक्टर तो एक हेमंत कुमार पाटनी ना संग पाटनी प्रवास पाटनी होता है ना संग यार तो बेहतर मारेगा ये कोकर ऑपरेशन करता था नहीं हम तक मैंने कहीं खाए हम तो हम ये खुर्शे बहस है बुढ़ी जाए से डॉक्टर सज्जन पोते पुताना शरीर है शरीर आप तो माटी है धूल है एनी स्थिति जितनी है तेतली त्या रहेगी तारा संभाल थी ने ध्यान के ही रहे ये बात में कुछ माल है नहीं डॉक्टर पोते खलास जाओ सर्जन आ खराब हॉस्पिटल में सर्जन भावनगर आई कैसे जीव अनादि काल अनादि जीव ने धूम प्राप्त नहीं किया जीव एक वितराग देव त्रिलोकनाथ और समेत जिंदराज स्वामी मिले वितराग भी मिले क्योंकि महावीर क्षेत्र में भी आत्मा का जन्म अंतर हुआ हड्डी दीप में कुछ बाकी नहीं के आका लोक में बाकी है कोई एक क्षेत्र में अनंतवार जन्म मेरा न हो आठ ठिकाने अनंतवार जन्म मरना ठिकाने आठ ठिकाना सारा चौथ ब्रह्मांड में तो क्या महावीर जी माँ भगवान तो मेरा पे कायम अमुक बीस तीर्थंग मुख पदारे नया बीस था क्या अनंतवार जन्म लिया और समूह शरण धर्म सभा में अनंत में रही पर अपनी चीज क्या है उसके समझने में डर का दिया नहीं सुने सुनकर थे सुना भगवान कहते हैं आत्मा देह से भिन्न है पर तेरे करना कर ये है ये करना ही है जिन्हें जिंदरा स्वामी मिले परंतु उन्हें पहचाना नहीं श्रण रोकना नाथ ने प्रवचन सार मारे सर ऐसी में गाथा जो जाने अंतम दबद गुरु पजी ही जे कोई अरियंत ना दृढ़ ने वस्तु एना गुण ने अने पर्याय ने जो जाने अरियंत दबद गुण पजी ही तो जाने अपन ये वो मेरा मेरा आत्मा है अरियंत जी परमात्मा सर्वज्ञ करम दिशा प्रकट हुई तो ये भी आत्मा मैं भी आत्मा हूं तो उसके साथ मिलान करके अपना साथ मिलान करते हैं तब उसको आत्मज्ञान हो जाता है ऐसी गाथा है प्रवतम साहब
जो जानिया रंतंग दवत गुण पजीम सो जानिया पारम। भगवान को बराबर जाने का केवल ज्ञानी परमात्मा है, रहे जीव है। ऐसी मेरी चीज पर ऐसी है, ऐसे अंतर्मुख में जो दृष्टि करे तो भगवान को जानना, उसे अपने को जाना भी ना रहे नहीं। आई तो कहते हैं जिंदराज स्वामी मिले परंतु उन्हें पहचाना नहीं। एमना भाव जी से हृदय में जी निर्मल भाव कहते हैं, ये सम्यक दर्शन चारित्र अंतर में निर्मल दिशा करते हैं, ये पिछाने नहीं। जिससे मिलना वह न मिलने के बराबर है, उसके जाना नहीं तो मिला न मिला गए ऐसा था होता। अनंत वैर समूसर में गई भगवान बिराजते, अचार्य बिराजते, महावेदी मेना समूसर में पर त्या ना जीव जाते हैं, पर मिला न मिला उसने जो क्या कहा ये अंतर में मिला न लिया। राज से भिन्न परमात्मा को न किया तो भगवान को मिला न मिला जैसा हो गया। कई करवानु कहता है कि नहीं दया पावी प्रति ने दया पावी। हाँ बाप ला खड़ी एक बधु अनंत वाक्य भोग ब्रह्मण मेरा मेरे बैठा नहीं बापा। भगवान अंदर अनंत अनंत गुण नो दरियो जेमा राग ना महल नो अंश नहीं। वैसा जिनराज को देखा पर जिनराज को मिला पर न मिला जैसा हुआ, पिछाना नहीं कि भगवान वितराग है, केवड़ी है, सर्वज्ञ है। तो ऐसा मेरा स्वभाव भी ऐसा है तो मैं भी ऐसा हूं, ऐसा मिलान किया नहीं। हाँ हाँ परंतु उन्हें पहचाना नहीं। जिससे मिलना व न मिलने के बराबर हुआ, भगवान मेरा कि न मेरा एमा एना एना आत्मा ने लाभ न हुआ। अनंत बार क्या सुन सुन सुनने को गई। यहां पर प्रभु तीर्थंकर जारी बिराजता हो त्यारे पर सुनने अत्यारे महावीर परमात्मा सिद्ध हो गया नमो सिद्धानम स्मंदर भगवान नमो यंदानम पहला पद बांसा की चार कर्म बाकी है, चार कर्म का नाश क्या है। महावीर भगवान है समोक्ष आखिर कर्म का नाश कर सिद्ध हुआ है। फिर महावीर आदि चौबीस तीर्थंकर पर नमो सिद्धानंद में ना सिमंदर भगवान तीर्थंकर आदि है नमो यंदानंद में है। तो वाणी निकलती है समोसरण में इंद्र नरेंद्र वाघ सिंह ने नाग सुनने को जाते हैं समोसरण में। पर कैसे कितने बार तो मिलान सांभ पर अंदर मिलान किया नहीं। मैं भी अरिहंत की शक्ति है, ऐसी शक्तियों मैं भी हूं, मेरे में भी आनंद ज्ञान आनंद आदि भरा है। ऐसी स्वन्मुख की दशा प्रकट किया नहीं, पर सन्मुख की दशा राग ने पुण्य दशा में रुकाई, जन्म मरण किया अनंता। अनादि काल से जीव अंतर में जाता नहीं है। अनादि काल से बहिर्मुख वृत्ति है। बहुत तो संसार में काम थी न रोकाए तो अदया ने व्रत ने भक्ति ने पूजा में रोकाए, ये संसार है, ये राग है। उससे भिन्न आत्मा की पहचान
अनादि काल से जीव अंतर में जाता नहीं है। ज्ञान तो ध्रुव भगवान विराजते हैं, आत्मा पुत्र परमात्मा स्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप न हो तो उसको एनलाज करके परमात्मा होता है कहां से होता है? परमात्मा अर्यंत होता है कहां से होता है? के बाहर से आती है चीज, अंतर में है सब। आत्मा पंच परमेश्वरी स्वरूप है। अर्यंत स्वरूप है अंदर सब शक्ति में, शीर स्वरूप है आचार उपाय में सादा साचा हो। पंच परमेश्वरी स्वरूप आत्मा है। फर्स्ट पावर में आया है कुमकुम आचार्य का, फर्स्ट पावर है ना, उसमें आया है पंच परमेश्वरी प्रभु तुम तैयार हृदय में तुम हो। पर उसको कहने पिछाना नहीं। बहुत बाहर में आन के कहीं दया पाली नर्त क्रिया भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य पाली हूं। ये तो क्रियाकांड है सब। अपनी आत्मा की जात ना बात के है, हरिहंत जैसी मारी आत्मा की जात है। हरिहंत ने नाथ ने मारी नाथ एक है। ऐसा कभी अंतर में अनादि काल से जीव अंतर में जाता नहीं है। बहिर्मुख बहुत तो शुभ विकल्प करे शुभ राग दया दान भक्ति व्रत पूजा निवृत्ति में, पर ये राग ही संसार है। अंतर में जाता ही नहीं है। शुभ राग तो बाहरी चीज है, अंतर में परमात्मा पूर्णानंद का नाथ अप्पा सो परमप्पा आत्मा थी परमात्मा ही है अंदर। वैसे जो परमात्मा स्वरूप शक्ति है न हो तो परमात्मा परमात्मा के रूप में आवे कहां से? बाहर से कोई लटकते हैं बाहर से है। छोटा हथिया जी का वो एनलेस करते हैं तो उसमें से एनलेस करते हैं। हम अपनी शक्ति में सब पूर्ण आनंद ज्ञान आनंद सब भरा है, उसका अनुराग केवल ज्ञान होता है। अरे अपने में अंतर में उतरना उतरिया नहीं, अरे उतरने का निर्णय किया नहीं कि अंतर में उतरना है। बाहर की चीज तो बाहर अनंत भर क्रिया, अंतर में भगवान चिदानंद प्रभु उसमें पिछाना नहीं, अंतर में जाता नहीं और नवीनता प्राप्त नहीं हो जाता। पुनः ने पाप रूप ने अशुभाव ये अनादि से करते आए हैं। शुभाव का अभ्यास हो गया अशुभाव का, अहिंसा झूठो विषय भोग वासना ये अनादि का अभ्यास है। त्याग के छूट कर कोई दया दान का पर अभ्यास अनादि का है, बेई शुभ शुभ का अभ्यास अनादि का है। नवीनता शुभ शुभ भाव से रहित चैतनंद निर्मलानंद प्रभु चैतन्य पिंड ऐसे नवीनता प्राप्त नहीं किया करता। नवीनता प्राप्त नहीं तो ना ये भाव रखने में मिली जाए से। अकस्मात मनो थाय तो कहीं विचारवाणो गति रहे नहीं,
કઈ સુભાવે રહેવાનો ટોન મરે, કારણ કે વેદન 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 અશુભાવ ને આર ધ્યાન રુદ્ર ધ્યાન હોય ને એમાં વેરી ચોર લોકાદી આવીને બાંધે, ખાટલે બાંધે ને પછી ઘરમાંથી હોય લઈ જાય, એ વખતે બાંધીને મારે આ બી કહ્યા ને નેરુબી ની પાછળ ચાર મારી નાખ્યા પ્રસિબ લોકોએ અમાર માણસ ત્યાં અને છવી રિયા રમણા છવી બધા અનાહારી માણસ, પણ આપણા દેશના માણસ ત્યાં મહાજન લોકો 6000 છે. એ લોકોની બહુ પ્રેમ હતો ને, બહુ લાગણી બહુ પ્રેમ, એને લઈને ત્યાં ગયા હતા છવી રિયા. બહુ માણસ આવતું ભાઈઓ, તો બધી 3000 માણસ ભાઈ આજની ભાઈઓ બહુ મોટી સભા ભર હતી છવી દિવસ વૈષ્ણ. પણ હરસિંહ લોક ત્યાંના એ વખતે એને સુનાતા ત્યાં હતા ને, એ આપણા એ કેવા ગયા ગોરધનભાઈ ના દીકરી, ગોરધનભાઈ છે એની દીકરી ને એને વર નીકળ જતા હતા, બે ને લૂંટ્યા બધું લઈ લીધું, મારી ના નાખ્યા એવું અમે સાંભળ્યું કે આ લૂંટાણા બે બેન નીકળ્યા છે. હા હા, કારણ હપસી લોક તો મહાનાર્ય, એમાં અવતાર, એમાં અનંતાર વાર અવતાર થયા. હા હા, નવીનતા પ્રાપ્ત નહીં થયા. એક કે એક વિષય કા શુભા શુભાવ કા શુભ ને અશુભ, શુભ ને અશુભ એમાં નથી રહ્યો નાદીથી. શુભમાં વિષય ભોગ વાસણા રવના કમાના વ્યાજ ઉગ્રાના દુકાનના ફરા ધ્યાન રાખવા એકલો પાપ. હા હા, અને શુભ કદાચ બે ઘડી નિવૃત્તિ લઈને શુભ લે. અમારે ત્યાં દુકાન એમ થતું પાલીમાં ગામમાં સાધુ આવે, અમારા તો અંતિમ સ્થાનક પિતાજી સ્થાનક સાધુ આવે તો હું તો દુકાન છોડી દઉં, ભાગીદાર કામ કરું. હું તો બીજા બે દુકાનો આખો દી અવાર થી તે રાતના 8 વાગ્યા સુધી, 8 વાગી જાય ત્યાં રાતે. રેગ્યુલર સાધુ કે રાતડી આવ્યા આખો દી સામો ન જોડે, દુકાન ધંધો ચાલે સારો, પૈસા ઘણા અને પેદા સારી હતી. દુકાન બે છે અત્યારે, એ દુકાન એક છે અત્યારે, 3 થઈ અત્યારે, 3 છોકરા જુદા પડી ગયા. પણ ભાઈ ના દીકરા ભાગીદાર હતા, બે ગુજરી ગયા, એના છોકરાઓ છે 12-13 લાખ રૂપિયા એક એક પાસે છે, 40 લાખ રૂપિયા છે 3 પાસે, 4 લાખ ની કદાચ છે. પણ ભીડમાં કઈ મળે ને આખો દી કોઈ ગામમાં સાધુ આવે તો આમો જોતા નહીં, આમો જોતા નહીં, રાતે 8 વાગે જાય. હા હા હા, એટલી ધંધાની શું કહેવાય નો વાત. હા હા, મેં તો કહ્યું તો કીધી 64 ની સાલ 18 વર્ષની ઉંમર, હું એ ધંધો તો કરતો દુકાન નહીં, દુકાન ચાલે. પણ એ દુકાનમાં બહુ મમતા હતી મારી કુંવરજી અને છોકરો અત્યારે, એ તો મરીને ભાઈ ઢોરમાં જઈને યાદ રાખજેશું. આખો દિયા હો હો હો, કઈ નહીં સાંભળવું નહીં, ગામમાં સાધુ આવે 64 ની સાલની વાત છે. 30 નામ હતા, ને એક ઘરસ વાળા જમતા બે ભેગા, એ આ દુકાન ત્યાં હું જમવા ગયેલો ત્યાં ઉપર મારા ફેર કહેવાય ગયો હતા કરી મમતા દેખીને. કુંવરજી માણસ તો બધી નરકમાં તો નહીં જાય, કારણ કે આપણે કઈ મહિના માણસ ને ખતા નથી, માણસ માણસ તેના લખનમાં દેખાતા નથી, એમ દેવમાં લખન દેખાય, એક ઢોર ના લખન લાગે છે,
तुम्हारी हम बोले नहीं, ये भगत है, पहले की भगत नहीं सापति बोले नहीं, मजे ने ढोल सारी चीज ए मरता बाप बापे बब्बे लाख ने पैदा क्यों दे दिए तो हमें क्या कर दी मरता हरे पास गयो आ कहू मारू कहू अपने दुकान में बदली गयू अपना आम रख बीजा दुकान तूटी गई बीजा भांगी गई हनी पापा देखिए अपा तो पैसा शू धूल कमावे आई कहते हैं नरेंद्रता तो प्राप्त नहीं किया सुबह सुबह का पेश पेश करता गया सुबह पेश पेश पीसण रू पीसण अनंत आरे वा शुभ स्वभाव तो क्या है थकता नहीं है पीसण पीसण करता रहता है थकता नहीं है अशुभ में से शुभ में अशुभ माते कोई होते शुभ में आवे और फिर शुभ में से अशुभ में आता है यदि शुभ भाव से मुक्ति मिलती होती तब तो कब की मिल गई होती नया दान व्रत भक्ति पूजा तो भावानंद बाहर किया है ये कहीं मुक्ति का कारण है नहीं धर्म है नहीं ये कहते हैं कि जो शुभ भाव से मुक्ति मिलती होती तब तो कब की मिल रही होगी कारण सुबह तो बहुत आनंद बैर किया है शुक्ल निशा संदेशा होती है ना कृष्ण नील कापुर के ऊपर शुक्ल शुक्ल निशा आनंद बार किया मार मारे तो शांति रखे पर आत्मा आत्मा क्या चीज है ये आत्मा पर का ध्यान नहीं ये क्रियाकांड का शुभ भाव में रुक गया अब यदि पूर्व में अनंत बार किए हुए शुभ भाव का विश्वास छोड़कर है विश्वास छोड़ दे के अनंत बार किए शुभ भाव का विश्वास छोड़ दे शुभ तो पुण्य है बेड़ी है नुआनी बेड़ी ने सोनानी बेड़ी दो ही बेड़ी है पाप लोहा की बेड़ी पुण्य सोना की पर लोहा की बेड़ी करता सोना की बेड़ी में जो तो बहुत नुकसान है तोलदार और तोलदार इतना ही ना कि घसे घसा जाए चीकड़ बहुत है तो हम चीकड़ों ने तो वजनदार यहाँ घसारो बहुत था है, बहुत दुख था है एम यहाँ शुद्ध ने शुद्ध दे बेड़ी है क्या कहीं धूल नहीं कीमत नहीं मरी ना हजा जाए हम लोग पति हाँ हजा जाए थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती समय हजारी श्री छनों करोड़ पायदो चिल्वा चक्रवर्ती छनों करोड़ पादो समय हजारी श्री 48,000 नगर 72,000 पाटो मरी छेले हिराना पनंग हिराना पनंग एक एक किलो प्रोड़ नो एवा हिराना पलंग एमा सुपोतन कुरुमती कुरुमती इस्त्री चंद्रे हजार इस्त्री हती हमें एक इस्त्री में शास्त्र मार देखते हैं कहीं एक एक इस्त्री ने हजार दिन सेवा करे एक 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 मुख हो रहे हैं एवं नाम लिटिल मरी मेरे हाथ में नरके गया
अच्छा हाथ में लड़ चलते हैं। જે જાતનો અભ્યાસ એનો લટન ને લટન હોય મળતા એ પરિણામ આવે ને એ પરિણામ ના ફળ તરીકે ચારી ગતિ અનંત કાળ કરે છે અનંત વાર્ય ભાવ શુભાવતી વિશ્વાસ ખોડ દે એવા સ્વભાવનો પણ વિશ્વાસ છોડી દે એમાં શું પણ કોઈ બંધન નું કારણ હે એ ધર્મ નહીં પ્રભુ ધર્મ તો પૂર્ણ પાપ સ્વભાવથી રહી ચૈતન ભગવાન પૂર્ણાનંદ નો નાથ અંદર ઇસકી દ્રષ્ટિના આદર ને આશ્રયને અવલંબન એ ધર્મ હે જૈન વિતરાગ માર્ગમાં તો આ માર્ગ હે શુભાવ અનંત વેર ક્યા અશુભ અનંત વેર ક્યા દોનતા ભવ રહ્યા એના અનુભવ ચક્ર મેં જાણીને પીવાતે હૈ ના નહીં કેટલાક મારી નાખે જો ને મનોરાગી હતા જયંતિ મનમાં પણ પુસ્તક બનાવતા બહુ પૈસા પછી બહુ ભેગા થયેલા એટલે તેને સુરત ને એ ન હોય તો કુલ માણસ પાસે 5 લાખ પૂ જાય છે એની પાસે એ દેશ છોડીને રહેવાનો ઈસરી રહેવાનો નિર્ણય થયો ઈસરી એની પાસે માલ પ્રાઈ કુલ કે છે એમ કે છે એની પાસે મારી યાદ પૈસા કુલ નહોતું એટલા નામ ગળે આમ જીભ નીકળી ગયેલી પા અડધા કલાક પેલા કઈ નહોતું મનો લાગ્યું અને કહે કે અડધા કલાક પેલા કઈ નહોતું તમે ત્યાં કોઈ માણસ આવી અબ યદિ પૂર્વ મેં અનંત બાર કિયે હુએ શુભ ભાવ કા વિશ્વાસ છોડ કર જીવ અપૂર્વ અપૂર્વ પૂર્વે નહીં ક્યાં એવા આત્મા કા આનંદ કા જ્ઞાન કરવા શુભ ભાવ સે રહી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રભુ અંદર નિર્મળાનંદ હૈ ઉસકા જ્ઞાન કર તો જન્મ મરણ અંત આયેગા ના જન્મ કામ નહીં આયેગા અપૂર્વ નવીન ભાવ કરે શુદ્ધ જિનરલ સ્વામી દ્વારા ઉપદેશ ત્રણ લોકના તીર્થંકર દ્વારા ઉપદેશ શુદ્ધ સંગત પરણતિ શુદ્ધ સાચી પરણતિ પર્યાય પ્રગટ કરે તો અવશ્ય સુખ પ્રાપ્ત હો જરૂર એને મુક્તિ મિલાવી ના રહે નહીં પણ દરકાર ક્યાં નહીં આવતા રહે કઈ કાને ઠીક કરતે કઈ ઠીક કરતી ક્રિયાકાંડ કરે ઠીક કરતે એમ કરતે કરતે જિંદગી કાઢી ગઈ પણ રાગ રહી મેરી ચીજ અંદર આનંદ કરું શુભા શુભાથી રહી ઇસકી દ્રષ્ટિના અનુભવ કરને મુક્તિ મિલાવી ના રહે નહીં.